Hey guys, good morning. My name is Kshitij Agnihotri, and here I am coming with all the tips, with all the guidance that you need to clear one of the most toughest examination in our country, that is the engineering services examination. So the first thing first, you should know about your teacher before going into depth. So I have cleared engineering services examination twice, that is in 2010 and 2011. And currently I am an assistant executive engineer at Electric Engineering Services at Ministry of Defense. Okay, so first thing first, why do you want to prepare for IES? Why do you want to prepare for engineering service examination? Why not campus selections? Why not software companies? Why not PSUs? Why not some other job? Why only UPSC? बहुत सारे लोगों के वजह होती हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। किसी के मम्मी पापा ने कह दिया नहीं गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो वहाँ चले गए, किसी के फ्रेंड्स जा रहे हैं उनके साथ चले गए। नो, लेट मी टेल यू गाइस, आपको खुद ये मानना पड़ेगा कि मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ फॉर IES, आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, देन ओनली फुल हार्टेडली होल हार्टेडली आप इसमें लग पाएंगे एंड यू विल सक्सीड। सो टिप्स, अब आप बोलेंगे टिप्स तो बहुत लोग हमें देते हैं, आपकी टिप्स में नया क्या है? टिप्स तो हमें हमारे टीचरों से भी मिले, जहां हम कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहां भी टिप्स मिलते हैं। वो टिप्स देते हैं बट उनकी टिप्स जो हैं वो दूसरी तरीके की टिप्स होती हैं। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वो आपको अपना ब्रोचर दे देंगे, फीस स्ट्रक्चर दे देंगे एंड दे विल टेल यू दैट ये फीस स्ट्रक्चर है, बैचेस मंडे से शुरू हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। अब वो फीस स्ट्रक्चर अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आपके बजट में है, आपके फैमिली बजट में है, देन तो ओके, वरना आप वहाँ से निकल जाते हैं और कोई और कोचिंग ढूंढते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फॉर मनी, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज बीइंग कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली इटसेल्फ, मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल एस्पिरेंट्स गो थ्रू व्हाइल देयर प्रिपरेशन। So guys, the first thing first, why do you want to prepare for IES? Okay, so jaisa maine aapko bataya ki your self intuition ki mujhe government servant banna hai, mujhe group A officer banna hai, agar ye aapke andar mein hai to sure shot you will succeed, I'm telling you sure shot you will succeed, bhale hi aapko ek saal lage, दो साल लगे, तीन साल लगे, बट यू विल सक्सीड। ओके, सो सेकेंड थिंग, प्रॉपर गाइडेंस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस गाइस, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, केवल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, रेस्ट यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। अब सभी जानते हैं द ओल्ड, द मोस्ट कन्वेंशनल एंड द मोस्ट सूटेबल दिल्ली फैक्ट्री। इसको मैं फैक्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। व्हेन यू गो टू दिस कोचिंग्स इन दिल्ली, इन नोएडा, इन गाजियाबाद एंड ऑल दोज थिंग्स, वो आपको अपना ब्रोचर पकड़ा देंगे, दे विल गिव यू देयर फी स्ट्रक्चर, और फी स्ट्रक्चर में आपसे कहेंगे आप देख लीजिए ये बैच मंडे से शुरू है, ये बैच ट्यूजडे से शुरू है, ये वेडनेसडे से शुरू है और नथिंग एल्स। आपके 25 तरीके के डाउट्स होंगे, दे विल नॉट क्लियर एनी ऑफ देम। ओके, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दैट अ दिल्ली फैक्ट्री। Next thing, bogus propaganda. There will be no bogus propaganda on our platform, not at all. Okay, जो real है वो real है। Coachings में आप देखते होंगे हर साल वो लगा देते हैं top 10 in our list, top 20 in our list, top 30 in our list। Top 30, top 20 कैसे आए? किसी ने written में एक subject इनकी coaching में कर लिया, दो subject इनकी coaching में कर लिए, तीन subject इनकी coaching में कर लिए, अब वो सेलेक्ट हो गया तो वो लगा देते हैं कि हमारी कोचिंग से था। दैट इज़ नॉट द वे, व्हाट इज़ रियल इज रियल। थर्ड थिंग, द डायनेमिक नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। सी गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू फोकस हियर। ये एग्जामिनेशन ऐसा है दैट एवरी ईयर यू विल सी समथिंग चेंजिंग इन इट। किसी दिन आप देखेंगे किसी साल पेपर वन में नेटवर्क एंड सिंथेसिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब प्रपोर्शन से भी ज़्यादा होंगे, से 30 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट ईयर यू विल सी EMFT के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं।
उसके बाद आप थर्ड ईयर देखेंगे कि EMFT कम हो गया, इस बार EMMI के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो यू विल नॉट, यू कांट से दैट वो कहाँ से पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछ रहे हैं, मैं कौन सा सब्जेक्ट फोकस कर सकता हूँ, ये आप बोल ही नहीं सकते. ये आपको कोई नहीं बता सकता. अगर कोई बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ही इज़ लाइंग. यू कांट टेल विच सब्जेक्ट यू कैन फोकस, विच सब्जेक्ट यू कांट फोकस. थर्ड एंड द लास्ट थिंग, ये तो बड़ा ही कॉमन सा है कि सर मैं कितनी सेल्फ स्टडी करूँ, कितनी कोचिंग करूँ, क्या मैं सेल्फ स्टडी से ही क्लियर कर सकता हूँ या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या कोचिंग वाले ही मुझे क्लियर करवाएंगे, सेल्फ स्टडी से नहीं होगा. गाइस अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या किया था, सो माई वॉज 80% सेल्फ स्टडी, 20% गाइडेंस. आई हैवन टेकन एनी कोचिंग, आई हैव टेकन ओनली गाइडेंस. ओके नाउ एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर वॉट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर. सो डे वन विल बी GS एंड इंग्लिश 200 मार्क्स, डे टू विल बी पेपर वन ऑब्जेक्टिव, पेपर टू ऑब्जेक्टिव, डे थ्री विल बी पेपर वन कन्वेंशनल, पेपर टू कन्वेंशनल. सो दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर, यू ऑल विल बी नोइंग. अब इसमें कईयों के डाउट रहते हैं कि GS कैसे प्रिपेयर करें. सबसे पहला क्वेश्चन रहता है GS कैसे प्रिपेयर करें. गाइज देखिए, GS आपको लास्ट में प्रिपेयर करनी है, GS आपको लास्ट में प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप चार साल से पढ़ रहे हो, जो चार साल से पढ़ रहे हो उसको पहले प्रिपेयर करो. GS लास्ट में प्रिपेयर करनी है. मैंने कईयों को देखा है जो भी मेरे से बात करेगा, सर मैं GS कैसे प्रिपेयर. सी 200 मार्क्स इज GS एंड इंग्लिश, इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे एंड 60 odd questions will be from your GS. Means 50% of your paper will be from GS. So बाकी का rest आप इतना proportion छोड़ के GS के लिए परेशान. So don't do that. GS आपको मतलब surely आपको अच्छी rank दिला सकती है, आपकी जो marking है, जो आपके score कर रहे हो उस score को ऊपर ले जा सकती है. But अगर आप इन पे पहले फोकस करोगे, इनको पहले प्रिपेयर करोगे, तो GS अगर लास्ट 2 months भी आप कर रहे हो तो यू कैन वेरी इजली डू 40-45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60. रेस्ट अश्योर, आई एम बेटिंग दिस. मैं बेट कर सकता हूँ कि आप लास्ट के 2 महीने में 40-45 क्वेश्चंस कर सकते हो पढ़ के 60 में से GS के. ओके सो गाइस द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेपर वन पेपर टू में मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूँ. पेपर वन में क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप क्या फोकस कर सकते हैं, पेपर टू में क्या सब्जेक्ट हैं, आप क्या फोकस कर सकते हैं. नाउ सिंस आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ही मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा. GS एंड इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन रहेगा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक बुरी खबर है कि ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोगों की इलेक्ट्रिकल तो हम समझते हैं कि मशीन्स, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क एंड कंट्रोल, दैट इज़ वॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज. नो गाइस, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IES UPSC आपको क्लियर करने के लिए यू हैव टू बी इक्वली गुड इन इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स. क्लियर? अगर आप सोचते हैं कि केवल मैं 3-4 कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के पढ़ के क्लियर कर लूँगा, सो आप पता नहीं किस ख्याल में हैं, क्लियर नहीं होगा आपसे. आप बेट कर लीजिए मेरे से. सो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी आपके 10-12 सब्जेक्ट्स हैं या ज़्यादा हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. सी गाइस हियर, पेपर वन से शुरू करते हैं. नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, कंट्रोल सिस्टम, EMFT, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स EMI, मटीरियल साइंस इन इंजीनियरिंग. नाउ अगर आप पेपर एनालाइज करें, मैं पिछले 4 साल से पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, राइट, जब से मैंने दिया है उससे पहले के भी पेपर मैंने एनालाइज किए हैं. नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, दीज टू सब्जेक्ट्स मेक योर 20-30% ऑफ योर पेपर. से अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो रफली अराउंड 25-35-36 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज टू सब्जेक्ट्स. स्कोप ऑफ एरर इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, वेरी मिनिमम. ओके देन कम्स योर EMFT, देन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट.